हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। में आज हम आप लोगों को हिबिस्कस का प्लांट लगा के दिखाने वाली हूँ, जो कि बिना कलम किए हुए लगा सकते हैं। डायरेक्टली उसको पेड़ से काट करके और ज़मीन में सीधा गाड़ दीजिए, लग जाएगा। देखिए, ये है हिबिस्कस का पेड़। इसको हम अभी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ लगा करके, बिना इसको ग्रो किए हुए और डायरेक्ट पेड़ से काट करके हम लगा सकते हैं और लग जाएगा। दोस्त फ्रेंड्स, देखिए अभी हमें एक ठो चाकू ले आई हूँ, इसी से कटिंग करूँगी पेड़ को। मैं इस है ना, इसको काटने वाली हूँ तिरछा करके काट करके, और इसको सीधा ज़मीन में गाड़ देना है। देखिए, ये कट करके तैयार हो चुका है। इस तरह से हम इसको कटिंग कर लिए हूँ। उसके बाद इसका जो पत्ता है ना, सो जहाँ तक ज़मीन के अंदर जाएगा ना, उसको काट लेना है। इस तरह से इसको हाथ से हटा देते हैं, या तो चाकू से भी, और कम से कम इतना एक बीता है सो ज़मीन के अंदर में डालना होगा इतना सारा। देखिए, इतना तक जाएगा। अब इसके लिए हम एक ठो गड्ढा खोदते हैं। अभी हम यहाँ गड्ढा सो खोदने वाली हूँ, जिसमें मैं हिबिस्कस का फ्लावर लगाने वाली हूँ। ये रहा कुदाल, इसी से गड्ढा बनाएंगे। इसको बनाती हूँ। गड्ढा खोदने के बाद इसमें थोड़ा सा मिट्टी लेंगे, इसी वाला बढ़िया वाला, और उसी में से गोबर है सो डाल देंगे थोड़ा। ये वाला गोबर है ना, सो पूरा बन के तैयार है। इसको केचुआ के द्वारा खा करके और इसको रेडी कर दिया गया है, इसीलिए ये इस तरह से हो गया है भुरभुरा। अब इसको हम इसमें डाल करके गड्ढा में गोबर को, और ये इसको क्या, दोनों मिट्टी और गोबर दोनों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम हिबिस्कस का डाली है सो गाड़ देंगे। मात्रा के अनुसार ही गोबर डालना है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें जो प्लास्टिक है इसको किनारे करेंगे। ये देखिए, इस तरह से तैयार कर दी हूँ मैं। यहाँ पर इतना सारा जाएगा, इतना तक मिट्टी भरेंगे। ये भरा चुका है। ये पेड़ जो टेढ़ा हो रहा है ना, इसलिए इसमें हम एक ठो लकड़ी का स्टैंड लगा देंगे, यहाँ पर गाड़ देंगे। उसके बाद ये सीधा हो जाएगा। ये देखिए, ये बन के तैयार है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के लिए थोड़ा सा थोड़ा इसके पास मिट्टी से ही क्यारी के टाइप में चारों ओर कर डालते हैं। जिस तरह से कर देंगे, वही मिट्टी जो ऊपर में बस गया है थोड़ा बहुत, उससे, ताकि इसमें पानी ठहरे, इधर उधर भागेगा नहीं और बह नहीं जाएगा। अब ये रहा पानी, इसमें हमें डाल रही है। पानी
पानी इसमें ना रोज रोज को देना होगा, हर दिन सुबह शाम, जब तक ये लग नहीं जाए। इसीलिए इसमें हर दिन पानी हम डालेंगे सुबह शाम को, और ये 10 से 15 दिन में पेड़ तैयार हो जाएगा। पूरा भर रही हूँ मैं, देखिए। अब इसमें मैं पानी उधर बह रहा है तो उधर मिट्टी लगा देते हैं। ये देखिए, अब मेरा ये पेड़ हिबिस्कस का पेड़ लग करके तैयार हो गया है। अब कैसा लगा मेरा ब्लॉग चैनल, आप लोग कमेंट करके बताइए, और प्लांट कैसा हम लगाएं उसके बारे में भी बताइए। अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। आप लोगों सबको नमस्कार।